दुआएं निकलती है गवर्नमेंट के लिए, इतना बढ़िया रोड बना ऑफ रोडिंग के लिए, डर पर जाने की जरूरत ही नहीं है। अभी जब से मैंने ये लगाया ना, इससे मेरा लाइफ बड़ा इजी हो गया है। दिस वन इज फ्रॉम प्रो प्ले, और मेरे को ना क्या फ़ायदा हो रहा है अभी यहाँ पे देखो, जैसे मैंने होम स्क्रीन पे अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे, देन आई कैन बेसिकली स्विच ऑन द कैमरा। यहाँ से मेरे को पीछे जो बाइक आ रही है वो भी दिख जाएगी। अभी राजेश भाई यहाँ से चल रहे हैं, देखो ये है, अरे अमीरी। और रवि कैसा लग रहा है, एक्सपीरियंस शेयर करो। रात में नींद नहीं आई है, 4 साल बाद राइड हो रही है। व्यू पॉइंट यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है, बेसिकली जो नीचे वाला सिटी है। चैनल आज हम लोग जाने वाले हैं, बहुत ही अच्छा फॉरेस्ट एरिया है, एंड वी आर एट शेल पेट्रोल पंप। यहाँ पे थोड़े से स्नैक्स जो है वो सब ले रहे थे, रेडबुल ले लिया, अपना नींद पूरा हुआ नहीं है सही से। तो अभी यहाँ पे अपना बाइक वाइक जो है सारा बाहर पार्क्ड है, दोस्तों का वेट कर रहे हैं। थोड़ा बहुत क्विक स्नैक्स टाइप से ले लिया, वो लेने के बाद में अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे। ऑलमोस्ट 10-15 मिनट में अति वेले टोल साइड से, तो अभी दोबारा बाइक पर लोड होके फिर आप लोगों से आगे की बातें करते हैं। ये थोड़ी देर में 6:04 यहाँ पे सारे रेडी। तो अभी यहाँ से फाइनली हम लोग निकल रहे हैं। मैंने गोप्रो सेटअप कर लिया और गोप्रो में बैटरी नहीं डाला, खस्सा काम हो गया। यस, एंड वी आर कनेक्टेड। तो अभी टाइम हो गया है 6:14। यहाँ से हम लोगों का प्लान है पीछे वाला साइड का रोड लेके अतिबीले टोल साइड से निकलेंगे, एंड देन उसके बाद में हम लोग वहाँ से ज्वाइन करेंगे आगे कृष्णागिरी वाला रूट। तो अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ से निकलते हैं और मज़ेदार आज का राइड होने वाला है। थोड़ा सा क्लाउडी है मौसम, तो ये चीज़ अच्छा है, नहीं तो क्लाउडी नहीं रहता ना, थोड़ा सा गर्मी गर्मी बहुत लगता है। तमिलनाडु वाली साइड में जैसे भी इलेक्ट्रॉनिक सिटी टोल के आगे जैसे ही जाते हैं पूरा गर्मी गर्मी हो जाता है। जैसे बैंगलोर में सारा सब गाली देते होंगे ना रोड को, ADB राइडर्स ना अलग से पूरा दुआएँ निकलती हैं गवर्नमेंट के लिए, इतना बढ़िया रोड बना है ऑफ रोडिंग के लिए, डर पार्क जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बस ऐसे ही क्लाउड बना रहे वापस आने तक भी, तब मज़ा आएगा। क्योंकि अभी थोड़ा सा यहाँ से जितना हम लोग दूर जाने वाले हैं 112 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो आज का डेस्टिनेशन रहेगा दैट इज़ अन्ना नगर व्यू पॉइंट। अच्छा है, कृष्णागिरी से आगे जाके थोड़ा सा एक फॉरेस्ट एरिया पड़ता है राइट साइड में, वहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं। और हम लोग यहाँ से जाएंगे बैक साइड वाला रोड लेके, अभी वो वाला मेरे को याद नहीं आ रहा कहाँ से, पूछना पड़ेगा किधर से। सरजापुरा रोड से आई गेस लेफ्ट था, हम लोग यहाँ से अभी कनेक्ट कर जाएंगे सरजापुरा रोड। अभी जब से मैंने ये लगाया ना, इससे मेरा लाइफ बड़ा इजी हो गया है। दिस वन इज़ फ्रॉम प्रो प्ले, और मेरे को ना क्या फ़ायदा हो रहा है अभी यहाँ पे देखो, जैसे मैंने होम स्क्रीन पे अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे, देन आई कैन बेसिकली स्विच ऑन द कैमरा। यहाँ से मेरे को पीछे जो बाइक आ रही है वो भी दिख जाएगी। अभी राजेश भाई यहाँ से चल रहे हैं, देखो है ना, और बाकी मेरे को आगे करना है। फ्रंट वाला तो वैसे दिखता ही है, तो फ्रंट वाला यहाँ से करूँगा तो मेरे को फ्रंट का दिख जाएगा, बट दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। बट ये बहुत अच्छी चीज़ है हाईवे के लिए ना, जब मैं यहाँ पे पीछे वाला कर देता हूँ तो जस्ट इन केस मेरे को सडन ब्रेक मारना पड़ रहा है ना, तो देन आई विल हैव दिस थिंग इन माइंड कि मेरे पीछे कोई आ रहा है और मेरे को दिख जाएगा। तो ये चीज़ बहुत सही है। अभी दोबारा से मैप खोल लेते हैं क्योंकि मैप्स में जाना पड़ेगा, रास्ता अपने को याद नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया है ये वाला रूट लिए हुए। इधर से लेफ्ट दिखा रहा है, देखो कितना क्विक है, ग्लव से ऑपरेट हो जाता है। टच स्क्रीन वाइज मेरे को बहुत अच्छा लगा, मतलब इतना डिस्प्ले आई गेस इट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि इससे ज़्यादा चाहिए नहीं रहेगा। जितना स्क्रीन जो है वो छोटा रहे उतना ही बेटर है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा स्क्रीन लेके वो थोड़ा सा राइड के टाइम पे क्या होता है ना, वो डिस्टर्बिंग भी है, मतलब डिस्ट्रैक्टिंग है। अगर आप लोग यहाँ से देख रहे हो तो ये पूरा यहाँ पे आप लोगों को मैप का डिस्प्ले आता है, गुड इनफ बाइक के लिए इतना बहुत है। ओ भाई, सनसेट क्यों बोलो मैं, क्या मस्त लग रहा है उधर साइड में। अभी यहाँ से दिख नहीं रहा पूरा, थोड़ा सा खुला वाला एरिया है ना वहाँ से दिखेगा। सो अभी हम लोग यहाँ अति वेले टोल पहुँच चुके हैं और रवि आ चुका है फाइनली। और रवि कैसा लग रहा है, एक्सपीरियंस शेयर करो। बहुत अच्छा। रात में नींद नहीं आई है। 4 साल बाद राइड हो रही है। सही सही, मेरे भी 2 साल बाद। हाँ, 2 साल बाद, 4 साल बाद, एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं यहाँ पे सारे। तो अभी यहाँ से फिलहाल हम लोग अक्षय का वेट कर रहे हैं, अक्षय का वेट करने के बाद में निकलेंगे यहाँ से 8:30।
8:24 पे दिखा रहा था हम लोग पहुंच जाएंगे आराम से। तो बहुत सही लग रहा है यार, काफ़ी टाइम हो गया राइड वाइड की, मतलब अच्छा। मैं तो वैसे वीकेंड वीकेंड में जाते रहता हूँ, काफ़ी सारे दोस्त को मिस करता हूँ जो नहीं पहुँच रहे होते हैं। यहाँ देखो गंभीर डिस्कशन चल रहा है, ये देखो बुल्लू भाई और ये। चलो चलो चलो। चलो गोप्रो से शॉट ले रहा हूँ। ये है, अरे अमीरी नहीं वो तो है 12 12। ये फिर आप क्या सेना उससे ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रहे हो? अच्छा हाँ, वो 360 X4 मतलब X3 के साथ में नहीं है ना? हाँ 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 अच्छा, ऑडियो क्लियर नहीं है उसमें। ओके साहब, इतना सही लग रहा है ना यहाँ से, पूरा जो पहाड़ है आगे अमेजिंग। वो वेदर मस्त हो रखा है एकदम, पूरा क्लाउडी क्लाउडी। आज जाके मजा आ रहा है इस साइड में जाने में। अभी थोड़ा सा क्या जा रहा है भाई, उल्टा आ रहा है, यहीं से खा जाएगा सब कुछ खाना। ये वाला पहाड़ी के ऊपर भी चढ़ने का कुछ है क्या? पूरा पहाड़ी है ना, इसके ऊपर बना भी नहीं है कुछ, बना सकते हैं, जगह बड़ा अच्छा है। हाँ +300 इम्पोर्टेड स्टोन्स। अरे ये साला सब उल्टा चलाते हैं क्या यहाँ पे? ये वही वाला पॉइंट है क्या यहाँ पे? एक बार सब उल्टा आ रहे, सही में साला देख के देख के। मैं एक तो साला गलत आ रहा है, बट इसका ये, अरे ये तो यहाँ पे अच्छा है। ओके और कितना डालोगे? घुमा के क्यों? बात तो एक ही है। ओह साला गोप्रो बार बार हैंग कर जाता। सो गाइज फाइनली वी हैव रीच्ड अन्ना नगर व्यू पॉइंट। यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है, बेसिकली जो नीचे वाला सिटी है और मस्त एकदम टार रोड है। ये देखो गजब लोकेशन है। तो अभी थोड़ा बहुत गर्मी हो रहा है, बाइक मेरे को एक्चुअली छोड़ के आना पड़ा, थोड़ा सा तबीयत सही नहीं था। तो अभी यहाँ पे जो है व्यू पॉइंट अच्छा है, थोड़ा डिस्टेंस कार से आगे देना, अगेन आई विल गो बैक टू हाईवे, वहाँ से जाके हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने वापस वाला राइड। बट मच रिकमेंडेड प्लेस, आसपास पूरा पीक रेंज है और आप लोगों को थोड़ा सा अंदर विलेज साइड से रास्ता लेके आना पड़ता है। दैट स्ट्रेच इज समवेयर अराउंड 50 किलोमीटर, बट अच्छा है, बाइक पे मज़ा आएगा, कार पे थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, मतलब झटके वटके लगे।
ऑलराइट जी, तो अभी फाइनली यहाँ से बाइक मैंने पिक कर ली है। आज पता नहीं क्या गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, पूरा डिहाइड्रेटेड लग रहा था। सो देन आई लेफ्ट माई बाइक हियर। तो यहाँ से अभी लोकेशन पे गए थे, लोकेशन तो बहुत बढ़िया था। तो अभी वापस जाने का दिखा रहा है 2 hours 9 minutes, 82 kilometers लग जाएगा। भाई साहब 82 kilometers आगे आ गए थे हम लोग। एक्चुअली ये वाला जो डेस्टिनेशन था वो था अराउंड 112 plus, तो मेरा घर से तो और भी ज़्यादा था क्योंकि वी आर ऑन द बेंगलोर नॉर्थ साइड, तो उधर से थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा रहता है। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पिया मैंने, बेटर यही किया क्योंकि तबीयत सही नहीं लग रहा था। देन आई केप्ट माई बाइक हियर। अभी यहाँ पे कुछ तो अच्छा सा दिख रहा है, यहाँ पे पूरा ट्रैक व्रैक बना हुआ है बढ़िया एकदम, वो जो रेल ट्रेन चलती है वाला मस्त। ये वाला रोड का एक चीज़ अच्छा है, भले ही गर्मी होती है बट ये वाला रास्ता एकदम स्मूथ है, मतलब यहाँ पे चलाने में ना कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप स्पीड भी थोड़ा सा खींचोगे तो भी उस टाइम पे भी आप लोगों को ये नहीं लगेगा अचानक से गड्ढा आ जाएगा कुछ आ जाएगा। जहाँ गड्ढा आएगा वो उधर वाला रोड एक्सपेक्टेड रहेगा। जैसे बेंगलोर में क्या है, पूरा रोड अनएक्सपेक्टेड है, कहीं पे भी गड्ढा आ सकता है, कहीं पे भी डाइवर्जन आ सकता है वैसा टाइप से। बट इस तरीके का रोड अगर बेंगलोर में होना तो भाई नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। ये वाली जगह पे भी मेरे को याद है एक बार कभी तो रुके थे, इधर पे रुके थे या शोलागिरी के MFD साइड में कहीं पे तो रुके थे। तो अभी यहाँ से फाइनली हम लोग पहुँचने वाले हैं, थोड़ा सा ही दूर रह गया बेंगलोर। 59 किलोमीटर दिखा रहा है, वैसे तो आउटस्कर्ट सेंटर कर जाते हैं बेंगलोर, कौन सा पॉइंट लेता है आई डोंट नो। बट ये हम लोग यहाँ पे होसुर पहुँच चुके हैं। बाकी अगर आप लोगों को आज का राइट डेस्टिनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और जाके ज़रूर विजिट करिए, काफ़ी अच्छा प्लेस है विद इन 100 किलोमीटर्स कह सकते हैं, मतलब अगर आप लोग इस साइड रहते हो बेंगलोर के। और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर देना इस वीडियो पे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय।